प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जिनके सामने होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी आप सबके जाने पहचाने मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन भी हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या जा पाए। शुक्रिया। आपके यहाँ तो आजकल बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, बड़ी रौनक लगी होगी इलेक्शन की। तो मुझे थोड़ा सा इलेक्शंस का बताइए कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुस्लिम्स में से कोई बड़ा लीडर क्यों हमें नजर नहीं आता, जो पहले हुआ करते थे। अब काफी टाइम से हमने कोई खास मुस्लिम लीडर नहीं देखा। आपके यहाँ की सियासत में एक अवैसी साहब है, लेकिन अवैसी साहब के पास भी जो है 254 की पार्लियामेंट में से सिर्फ 2 सीट्स हैं। तो आप लोग कोई ढंग का लीडर ऐसा क्यों नहीं लाते जो मुसलमानों की बात करे। देखिए, ये बदकिस्मती है मुसलमानों की, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये सब जगह है। मुसलमान अपना लीडर किसी को तस्लीम करता ही नहीं। वक्ती तौर पर वो वोट भी देता है, वक्ती तौर पर वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेता है, वक्ती तौर पर वो सारी चीजें करता भी है, लेकिन वो अपना लीडर नहीं तस्लीम करता। लीडर अगर तस्लीम करे तो फिर ये सारी चीजें नहीं होती। बहुत सारे लीडर हिंदुस्तान में हुए हैं और हैं भी, लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान की सियासत थोड़ी सी अलग है पाकिस्तान से। हिंदुस्तान की सियासत ये है कि हमने हमेशा आज़ादी से लेकर अब तक हिंदू को ही अपना लीडर तस्लीम किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, कांग्रेस से लेकर, समाजवादी से लेकर, बसपा से लेकर, और जितनी भी पार्टियां हैं उनमें तमाम के तमाम हिंदू लीडर हैं, हमने उनको तस्लीम किया है। हमने कभी अपनी पार्टी न बनाने की सोची है, न अपना कायद कोई खड़ा करने की सोची है। अब जो भी मुसलमान लीडर किसी पार्टी के झंडे और डंडे के नीचे इलेक्शन लड़ता है तो वो उसी का होके रह जाता है, वो कौम की बात तो करता ही नहीं, क्योंकि पार्टी की अपनी एक लाइन होती है, उस लाइन से आगे वो क्रॉस ही नहीं कर सकता। दूसरे ये है कि वो जो बड़े लीडरान हैं उन पार्टियों के, उनके रहमो करम पर जीता है। जीतने के बाद भी चाहे वो मिनिस्टर बन जाए, एमपी एमएलए बन जाए, लेकिन वो रहमो करम पे होता है बड़े नेताओं के। वो अपनी लाइन अलग से कोई अपनी कौम के लिए, अपनी अपने मजहब के लिए, अपनी बिरादरी के लिए नहीं कर सकता। अगर वो ये चाहे कि भाई ये फला इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, लाइए मैं इसमें कुछ ज्यादा काम कर लूं या दूसरी जगह मैं कुछ कम कर लूं, तो वो नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। पार्टी उसको फौरन रोक देती है। अपनी मर्जी से वो कुछ बोल भी नहीं सकता पार्टी लाइन के अलावा, अपनी कौम के लिए। इवन पार्लियामेंट में खड़े होकर भी वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर पार्टी के अपने नियम है, हर पार्टी के अपने बायलाज हैं। वो उसी के हिसाब से अगर बोलने का मौका भी मिलता है किसी मुसलमान को, तो वो लाइन देते हैं कि आपको इन रहनुमा खतूत पर बोलना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना है। तो बेचारा मुस्लिम लीडर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, इसीलिए मुसलमान उसको अपना लीडर तस्लीम नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी पार्टी दूसरी पार्टी का एमएलए या एमपी होता है या किसी पार्टी का मिनिस्टर होता है, वो मुसलमानों का नहीं होता, वो पार्टी का होता है। ये बड़ी बात है। देखिए, आजादी के बाद में मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, जो पाकिस्तान में भी यहां भी थी। उस पार्टी को इतना डिसलाइक किया मुसलमानों ने कि वो आखिर में आकर केरल में एक सीट पर सिमट कर रह गई, क्योंकि उसका नाम मुस्लिम लीग था। यही बात असदुद्दीन अवैसी के साथ में है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का नाम है मजलिस इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन, यानी ये तो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की पार्टी है। मुस्लिम लीग तो ये भी कह सकते हैं कि चलो भाई नाम मुस्लिम लीग है, लेकिन सब कुछ हो सकता है। ये तो इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन पर है, तो इसमें तो सोचा भी नहीं जा सकता कि भाई ये मुसलमानों के अलावा की पार्टी है। हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी जो मुस्लिम नाम से हो वो कामयाब हो ही नहीं सकती। जिन्ना साहब ने जो भी किया है पार्टीशन को लेकर, वो दुख आज तक तमाम मुसलमानों के जहनों दिमाग में है, और हर मुसलमान उसकी सजा भुगत भी रहा है। मैं समझता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उसका असर आज तक भी है, क्योंकि जितने लोग हिंदुस्तान से गए हैं
उनको पाकिस्तानी लोग जो वहां के रहने वाले हैं उस इलाके के, वो आज भी उनको मुहाजिर बोलते हैं। तो ये जो इतना बड़ा दुख हमारे यहाँ नेहरू जी ने और जिन्ना जी ने मिलकर मुस्लिम कौम को दिया है, वो इतना बड़ा दुख है कि रहती दुनिया तक, कयामत तक इसको मुसलमान नहीं बोल सकता, और ये टीस हमेशा जागती रहती है। आज भी जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मुसलमान परेशान हो जाता है इस बात को लेकर कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त फिर आया तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि हमने हिंदुस्तान को चुना है। हम पाकिस्तान जा सकते थे, हम नहीं गए पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रह गए। फिर अगर कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसा लीडर खड़ा हो जाता है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी जो है उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस नक्शे कदम पर जिन्ना साहब थे, कि भाई वो हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की तहरीक चलाएं कि साहब हमें तो आप अपना एक मुल्क और दे दो। तो मुसलमान बेचारा परेशान है कि वो असदुद्दीन अवैसी के साथ जाए, या जैसे वो दूसरी पार्टियों के साथ पछलग्गू बनकर रह रहा है वो उसी तरह से रहता रहे, वो परेशानी में। लेकिन मौलाना साहब, मैंने तो ये देखा है कि बिल्कुल जो मुस्लिम हैं भारत के, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको तो उनके राइट्स भी मिल रहे हैं। आप अच्छी खासी बदमाशी है आप लोगों की, मतलब जैसे कहना चाहिए कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। मैंने तो सुना है कि 3 लाख मस्जिद हैं भारत में, इसके बावजूद रोड ब्लॉक कर देते हैं और नमाज वहां पढ़ना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या ये कोई सियासत हो रही होती है? इसमें कोई पॉलिटिक्स है क्या इसके अंदर? और साथ ही जो मुस्लिम लीडर जो दो चार सामने नजर आते हैं, वो कभी वो शरिया की बात करते हैं कि जी शरिया हम ले आएंगे और इस्लामिक लॉ और ये सारी बातें करते हैं, लेकिन कभी एजुकेशन की बात नहीं करते कि जो बच्चियां हैं या लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन की बात की जाए, कुछ थोड़ा सा दुनिया के साथ कदम मिला के चलें। भारत का मुसलमान तो बहुत पीछे कहीं रह गया है, इतना इतनी बुरी हालत तो पाकिस्तान की भी नहीं है। नहीं, एक तो मैं आपको बता दूं कि भारत के मुसलमान की हालत बुरी नहीं है, भारत का मुसलमान बहुत पढ़ाई में अच्छा है। सर, एजुकेशन में, एजुकेशन में कह रही हूँ। नहीं, एजुकेशन में भी आज का आंकड़ा अगर आप निकालेंगे, आप छोड़ दीजिए 5-10 साल, 15 साल, 20 साल पहली बातें, आज जो करंट सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है मुसलमान की एजुकेशन में भी। आप देखिए IAS IPS के लिए UPSC के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत सारे मुसलमान बच्चे निकल कर आ रहे हैं हर साल। तो ये कहना और ये हम अपने लिए रोते रहे कि साहब हम बहुत पीछे हैं, पछड़े हैं, जो एक पार्टी ने हमें, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया, एक तमगा दे दिया हमें, एक रिपोर्ट तैयार करके कि भाई मुसलमान तो दलित से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान बिल्कुल खुशहाल है, मुसलमान एजुकेशन में भी अच्छा है, मुसलमान कारोबार में भी अच्छा है, और मुसलमान अपने राइट्स में भी अच्छा है। हिंदुस्तान में मुसलमान को राइट्स भी पूरे मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, आपने जो नमाज के बारे में दादागिरी कही, मैं उस पर आपसे ये बताना चाहता हूँ। आपने कहा 3 लाख मस्जिद हैं, 3 लाख नहीं बल्कि 5, 5.5 या 6 लाख तक मस्जिदें हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं तो क्या 5-6 लाख मस्जिदें काफी हो जाएंगी? आप खुद बताइए इस बात को। अगर हम एक मस्जिद में 500, 150, 200 नमाजियों का भी आंकड़ा लगाएं तो भी मस्जिदें पूरी नहीं हो पा रही। तो ये दादागिरी नहीं, ये मजबूरी है। कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं होता है, सब जगह नहीं होता, और वो भी इत्तिफाक के राय से होता है। लेकिन आज की सियासत ने उसको, जैसे आपने कहा, दादागिरी या शरिया लाने की बात या हिंदुओं पर हावी होने की बात, ये जो है सियासत करती है जमीन पर, ये हकीकत नहीं है। मुसलमान ना तो यहाँ दादागिरी कर रहा है, ना मुसलमान यहाँ शरिया लाने की बात कर रहा है, ना मुसलमान यहाँ इस तरह की, मुस्लिम कोई लीडर बात करता है कि मुझे शरिया हिंदुस्तान में लाना है। हमने पाकिस्तान का हश्र देख लिया है जो इस्लाम के नाम पर बना, और आज उसकी क्या हालत है कि सुन्नी शियाओं की मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं और शिया सुन्नियों की मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों में बम फोड़ रहे हैं। तो ये हश्र हम देख चुके हैं इस्लाम के नाम पर। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान कोई शरिया की बात नहीं करता, और शरीयत भी ये नहीं कहती कि जिस मुल्क में आप रहते हो वहां आप सिर्फ ये चाहो कि साहब कुरान हो, शरिया हो, शरीयत भी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी और साजिद रशीदी के बीच में हुई ये डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहाँ पे इस वीडियो में आपने देखा, कमाल ही हो गया कि मौलाना
सीधा सीधा नेहरू और जिन्ना को कोस रहे हैं और ओवैसी की पार्टी को नकार रहे हैं और ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के जो मुसलमान है वो हिंदुओं को अपना लीडर मानते हैं। और यहां तक कि मौलाना ने यह भी कह दिया कि भारत में उनको पूरे हक मिलते हैं, जबकि आरजू काजमी ने उनको ये पूछा कि आपकी बदमाशी तो पूरी तरह भारत में चल रही है। जबकि मौलाना का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम दादागिरी नहीं करना चाहते। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।